अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 28 अक्टूबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि 6 नवंबर के इंतजार में बैठे बच्चे, जी हाँ दोस्तों, उसके बाद दोस्तों यूपी में सीटी नर्सरी और एनटीटी वालों को मिलेगी नौकरी। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, इसको देखेंगे और कुछ नया चीज है दोस्तों, और इसके बारे में अगर आपको जानकारी ना हो तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है, जिससे आपको काफी फायदा मिल सकता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आपका बीटीसी और डीएलएड, आज से 5 साल पहले दोस्तों कोई ना तो बीटीसी करता था ना डीएलएड करते थे, छात्रों की संख्या कितनी कम थी, सीटें काफी कम हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों आज 2019 में डीएलएड और बीएड के लिए बच्चे पागल है, क्योंकि उनको पता है कि कितनी आसानी से बच्चों ने नौकरी पा रखी है। तो आज से दोस्तों तकरीबन जब आपकी 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, तो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी और डीएलएड के छात्र मिलकर भी दोस्तों 1,25,000 ही हो पाए। 1,25,000 में दोस्तों आपके शिक्षा मित्र भी थे और डीएलएड के छात्र भी थे, तो सोचिए। लेकिन दोस्तों जब यही वैकेंसी 2019 के लास्ट में होती है दोस्तों, 2018 के लास्ट में जब ये आता है और 2019 के स्टार्टिंग में जब वैकेंसी का पेपर होता है, तो दोस्तों इसी पेपर में मतलब 4,10,000 बच्चों ने पेपर दिया। तो आपने देखा कि समय के साथ जब बच्चे अवेयर होते गए तो इनकी संख्या कितनी तेजी से बढ़ी, 1,25,000 से सीधे 4,10,000। लेकिन दोस्तों इसमें बीएड के छात्र शामिल थे, तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि बीएड और बीटीसी आजकल जो बच्चे कर रहे हैं उनको काफी नॉलेज हो चुकी है। लेकिन दोस्तों जो ये कोर्स है इसके बारे में आपको शायद कम जानकारी हो, तो ये कैसे वैकेंसी आती है, कैसे इसमें बच्चों को नौकरी मिलेगी उसको सीखेंगे, सीटी नर्सरी और एनटीटी वालों को, ठीक है। तो भाई शुरुआत में सबको नहीं पता रहता है, लेकिन दोस्तों इसकी पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, सरकार का एक बड़ा फैसला आया कि उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ 112 नंबर, जाने कितने काम का है यह नंबर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने डायल 100 देखा होगा, डायल 1000 देखा होगा, लेकिन दोस्तों आपने शायद आपको ना पता हो कि भाई जो 112 नंबर आया है वो किस काम के लिए आया है। तो ये बहुत ही जरूरी नंबर है आप लोगों के लिए, तो इसकी भी पूरी अपडेट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बीटीसी डीएलएड और बीएड के यह बच्चे जरूर करें आवेदन, अगर आप लोग डीएलएड के छात्र हैं या बीएड के छात्र हैं, तो दोस्तों आपको यूपीटेट 2019 में जरूर आवेदन करना चाहिए। लेकिन कौन से बच्चों को, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों डिस्कस होगा इस वीडियो में कि आपके 60-65 में मात्र इतने बच्चे पास होंगे। जी हाँ दोस्तों, इनकी संख्या कितनी ज्यादा कम है इस वीडियो में उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि बीच के रास्ते में सभी को मिलेगा फायदा, अगर आपकी फाइनल कट ऑफ ना 60-65 हो ना 40-45 हो, अगर एक बीच का रास्ता 55-60 हो जाता तो हर एक बच्चे को फायदा मिलता, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे वो बीटीसी और बीएड के छात्र हो, सबको फायदा मिलता और अच्छा खासा फायदा मिलता। उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नई भर्ती के इंतजार में डीएलएड और बीएड के छात्र, जो नए बच्चे हैं उनको भाई इंतजार है कि अब नई भर्ती आए, क्योंकि अब उनका सेशन कंप्लीट होने वाला है। डीएलएड 2017 बैच का पेपर बिल्कुल करीब आ चुका है, 16 नवंबर को उनका पेपर भी द एंड हो जाएगा, तो उनको भी अब नई वैकेंसी का इंतजार हो चुका है। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस होगा आपका फाइनल कटा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, जिससे कि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पहले हम बात करेंगे आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूपी में सीटी नर्सरी और एनटीटी वालों को मिलेगी नौकरी, क्या है ये चीज, तो इसको देखिए। पहले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल बनाने के प्रदेश सरकार के निर्णय से एनटीटी और सीटी नर्सरी कोर्स करने वालों को इनमें शिक्षक की नौकरी मिलने लगेगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थानों से एनटीटी और सीटी नर्सरी करने वाले अभ्यर्थियों ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पिछले सालों में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं की थी, लेकिन इसी कारण इन्हें नौकरी नहीं मिल सकी, क्योंकि यूपी में सरकारी प्री प्राइमरी स्कूल नहीं है और ये दोनों ही डिग्रियां प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए है। मुख्यमंत्री ने अगले सत्र से प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है, जाहिर है बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही बात हम कह रहे थे कि आने वाले समय में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन किनको मौका मिलेगा ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि दोस्तों क्या कहा फिर से देखिए लास्ट लाइन, मुख्यमंत्री जी ने अगले सत्र से प्री प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है, जाहिर है बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति भी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये होगा फायदा जिन बच्चों ने कर रखा है, अब वो बच्चे नौकरी पाएंगे, फिर आप कहेंगे यार अब इसमें हम कूदेंगे। तो दोस्तों होता है ना, जैसे आपके डीएलएड के काफी बच्चों ने 69,000 आपको बताया था, जो बच्चे 69,000 में है 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती को देखकर
लाखों बच्चों ने दोस्तों इस साल 2019 में बीएड और बीटीसी में एडमिशन लिया है। इसलिए नहीं लिया दोस्तों कि उनको बीटीसी और बीएड करना था, लेकिन उन्होंने देखा यार कि यार यहाँ इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आती है, 68,500 एक साथ आ गई, फिर 69,000 आ गई, आने वाले समय में और वैकेंसी आएंगी। तो ये दोस्तों होता है कि यार जो बच्चे पहले करते हैं उनको फायदा मिलता है, जब कुछ चीजें हो जाती है उसके बाद आप करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। तो जो बच्चे 2019 में अभी एडमिशन ले रखे हैं और इस वैकेंसी को देख के लिए हैं कि 68,500 69,000 आएंगे, तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा जो बच्चे 69,000 में कि क्या हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजें होती हैं, जो बच्चे पहले अपनी किस्मत आजमाते हैं उनको ज्यादा फायदा मिलता है, जो बच्चे लेट करते हैं फिर वो बच्चों का कंपटीशन काफी ज्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं यार जो 112 नंबर आया क्या है। देखिए ये सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो आप लड़के हो या लड़की हो। ठीक है, देखिए 112 एक इमरजेंसी नंबर है जिसे अमेरिका के 911 के तर्ज पर शुरू किया गया है। इसे भारत में ERAS के तहत लॉन्च किया गया है। बीते बुधवार को दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए दिल्ली पुलिस के DCP ऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन SK सिंह ने कहा कि कई सारे इमरजेंसी नंबर याद रखना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से दूसरी जगह सफर कर रहे हो। यह नंबर लोगों की परेशानी को कम करेगा। गौरतलब है कि देश में पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाओं से लेकर महिला व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तक अलग-अलग है। ये सारे नंबर हर किसी के लिए हर वक्त याद रखना मुश्किल होता है। इसका उपाय 112 नंबर है। आप एक नंबर से ये सभी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसे नेशनल इमरजेंसी नंबर भी कहा जा सकता है। कैसे करता है काम 112, आप कैसे करें इस्तेमाल इसको जानिए। फिलहाल देश में पुलिस के लिए 100 नंबर, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 108 नंबर, अग्निशमन सेवाओं के लिए ठीक है 101 नंबर, अग्निशमन जी हाँ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका क्या है, महिला हेल्पलाइन के लिए 1091 और 181, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए 1098 नंबर है। इन सभी को 112 के अंतर्गत लाया गया है, यानी 112 डायल कर आप किसी भी इमरजेंसी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए 112 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड कर आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके जरिए आप किसी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको जितना ज्यादा स्मार्टफोन है तो अप टू डेट रहेंगे तो आपको फायदा मिल सकता है। तो ये सब चीजें दोस्तों यूज करेंगे तो आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि BTC और DLED और BEd, ठीक है दोस्तों, कि यह बच्चे जरूर करें आवेदन। देखिए दोस्तों जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, मतलब अपने फाइनल ईयर में, चाहे वो डीएलएड के छात्र हो चाहे वो बीएड के, उनको दोस्तों जरूर आवेदन करना चाहिए। उनको ये फायदा मिलेगा कि एक बार आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होगी कि भाई कैसा पेपर आता है यूपी टेट का, और आने वाले समय में कॉम्पिटिशन भी काफी टफ होगा। देखिए पेपर यूपी टेट का भी दोस्तों इस बार हाई लेवल का बनाने की बात हो रही है, टॉप लेवल का पेपर आए जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पास ना कर पाए। एलटी ग्रेड दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कितने बच्चे फेल हुए, तो आने वाले समय में सुपर टेट का भी ऐसा ही पेपर तैयार किया जाएगा। उससे फायदा क्या होगा सरकार को, जब अधिक से अधिक बच्चे फेल हो जाएंगे तो वही वैकेंसी फिर दोबारा घुमाकर आपके पास लाई जाएगी। समझ रहे कहने का मतलब क्या है। अगर आप सोचिए दोस्तों 500 वैकेंसी आती है कभी शिक्षक भर्ती में, सुपर टेट में, स्टेट के पेपर में, ठीक है, और दोस्तों इसमें बच्चे 5 लाख बच्चे आवेदन करते हैं। आप एक अनुमान लगाइए कि 5 लाख बच्चों में सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चे पास होते हैं। ठीक है, सिर्फ 100 बच्चे क्या हुए, पास हुए, और बाकी बच्चे फेल हो जाते हैं, मतलब 400 सीटें अभी भी खाली रह गई। ठीक है, तो दोस्तों फिर से वही 400 सीटों के आवेदन के लिए कम से कम नहीं तो 5 लाख बच्चे फिर से आवेदन करेंगे, 2-4 लाख बच्चे और बढ़ जाएंगे, हर साल बच्चे बढ़ते जाने। तो अगर पेपर इतना उच्च स्तरीय रहेगा तो दोस्तों एक तो ये फायदा होगा कि सबके पास पॉइंट रहेगा कि आप लोग ने पढ़ाई नहीं की, अगर आप पढ़े होते तो नौकरी पाते। तो दोस्तों यहाँ पर एक से एक बच्चे ऐसे बैठे हैं कि किसी भी कट ऑफ में वो नौकरी पाने के हकदार बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आने वाले समय में आपका कंपटीशन टफ होगा, आपको पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के फाइनल कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखिए फाइनल कट ऑफ से पहले हम बात कर लेते हैं आपके बीच के रास्ते से सभी को मिलेगा फायदा और 60-65 पर मात्र इतने बच्चे होंगे पास। सिंपल सी बात दोस्तों समझ लीजिए, अभी आपके एलटी ग्रेड का रिजल्ट आया था आपने देखा होगा, और दोस्तों जो हमने आपसे कमेंट पोल्स में आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दोस्तों हमने बोला था यार इस लिंक पर जाओ और बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों उससे हमें अनुमान लग रहा है जो आपने खुद कमेंट करके बताया, ये हम नहीं बता रहे, ये आपने खुद बताया था। तो दोस्तों उसका रिजल्ट क्या रहा महासर्वे का, इसको समझेंगे। ठीक है ना, कि 60 और 65 में मात्र इतने बच्चे पास हो रहे हैं। तो दोस्तों जो आपके अनुसार हमारे पास फीडबैक आ रहा है तो उसमें ज्यादा बच्चे पास होने का अनुमान नहीं है, बहुत ज्यादा बच्चे पास होंगे तो दोस्तों मैक्स टू मैक्स जो आपका एक रेशियो बनना है तो उसमें दोस्तों 50,000 बच्चे पास हो सकते हैं 60 और 65 पर। अब दोस्तों सिर्फ 50,000 बच्चे पास होंगे तो यार आपकी 19,000 सीटें रिक्त रह जाएंगी। ठीक
ठीक है, ये दोस्तों आपका कमेंट बॉक्स में जो आपने खुद कहा है उसके अनुसार दोस्तों जो आप लोग फीडबैक देते हैं, जो हम आपको वेबसाइट का लिंक देते हैं कि आप जाइए वेबसाइट पर अपना वोट करिए कि भाई आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों अगर 100 बच्चे भी उसमें वोट कर देते तो उससे आपका एक अनुमान लग जाता है, 100 बच्चों में जो बच्चे बताते हैं कि रेशियो से निकाला जा सकता है दोस्तों परसेंटेज कि कितने बच्चे कितने नंबर ला रहे हैं। देखिए दोस्तों वो क्या रहा है ना इस बार कि जो बच्चे लड़के 89 नंबर लाते हैं आज की डेट में, जो अभी ला के बैठे होंगे 88 नंबर आ रहे हैं आपके आरक्षित वर्गों में, आपके 92 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो वो अपने आपको 60 और 65 पर पास समझ रहे हैं। ये आपकी एक भूल है दोस्तों, आप लोग प्लीज वोट सही करिए। अगर आप लोग 90 नंबर है तभी आप बोलिए कि हम 60 65 में आते हैं, 88 89 है तो आप 60 65 में नहीं आते, ठीक है? तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखिए ये होगा क्या, आपको दोस्तों हमने एक बात कही थी कि बीच के रास्ते से सभी को मिलेगा फायदा। देखिए दोस्तों हम लोग ये चाहते हैं ना कि जो ये वैकेंसी है यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। अगर आप लोग कहेंगे कि यार 50,000 बच्चों को नौकरी देकर सरकार खुश है, आप लोग खुश है, तो दोस्तों चलिए ठीक है, लेकिन दोस्तों वही 19,000 पद खाली रह जाएंगे, जिन बच्चों ने इस बार पेपर दिया उनको फिर से पेपर देना पड़ेगा और फिर दोस्तों दिक्कत होगी। देखिए 60 65 फाइनल कट ऑफ बन जाती है तो उसमें एक भी नंबर ऊपर नीचे नहीं होगा। फिर अगर आप सोचेंगे कि नहीं यार बच्चे कम पढ़ रहे हैं सीटें खाली रह रही हैं तो उस कट ऑफ को डाउन करके नौकरी दी जाए, तो दोस्तों फिर योग्यता के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होगा। तो दोस्तों तो मिनिमम कट ऑफ क्या होनी चाहिए तो आप इसको खुद डिसाइड कर सकते हैं। बीच का रास्ता निकलता है तो कम से कम एटलीस्ट आपकी सीटें तो फुल होती, 55 और 60 में। दोस्तों देखिए ये आपके कमेंट के हिसाब से बता रहे हैं, हो सकता हो कि 1 लाख बच्चे पास हो लेकिन अगर आपने सही कमेंट नहीं किया होगा तो वो भी हो सकता है, या हो सकता है हमारे पास उतने अभी तक डेटा ना मिल पाए हो जितने हमें चाहिए थे, ठीक है? दोनों तरीका, लेकिन दोस्तों जो अभी तक हमें मिला उसके अनुसार हम बता रहे हैं कि अभी कितने बच्चे पास हो रहे हैं कितने बच्चे नहीं। तो मैक्स टू मैक्स दोस्तों अभी पास होने वाले बच्चों की संख्या 50,000 हो सकती है, क्योंकि 90 और 97 नंबर लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिन बच्चों ने मेहनत की होगी उन्हीं बच्चों का 90 और 97 नंबर से प्लस जा रहे होंगे। तो जनरल में बच्चे दोस्तों बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाए होंगे कि यार कट ऑफ आपकी 90 से ऊपर निकल जाएगी, तो 97 नंबर लाना एक बड़ी बात होती है, ठीक है? तो जो बच्चों ने अच्छी तैयारी कर रखी होगी एक से एक धुरंधर इसमें बाहर हो जाएंगे 97 नंबर से ऊपर, क्योंकि देखिए बीएड के वो छात्र जिन्होंने काफी पहले से तैयारी कर रखी है वो तो 97 के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भाई पहले से तैयारी कर रखी है। 90 से ऊपर तो लाखों बच्चे जा सकते थे लेकिन अगर उन्हें पहले से पता होता तो। सिंपल सी बात है दोस्तों, ऐसी बात नहीं 4 लाख बच्चे ने पेपर दिया, लेकिन दोस्तों जब आपका रिजल्ट आता है ना तभी सब कुछ पता चलता है। चाहे आपने एलटी ग्रेड का रिजल्ट देखा हो तभी आपको दोस्तों पता चला है दूध का दूध पानी का पानी की क्या हुआ, ठीक है? फाइनल कट ऑफ क्या होगी इसको देखिए, फाइनल कट ऑफ को लेकर दोस्तों सभी बच्चे कहते हैं कि आपने 60 65 का पक्ष अगर सुना होगा तो उन्होंने बार बार एक बात जरूर कही, हर बार ये कहा कि सरकार के पास पावर है और सरकार के पास अधिकार है। जी हाँ दोस्तों सरकार के पास पावर भी है अधिकार भी है, लेकिन दोस्तों उसका सही यूज सही समय पर किया जाना चाहिए। और देखिए जो रूल कहेगा दोस्तों कोर्ट में उसी की जीत होगी, मतलब वहां पर सरकार अपनी पावर का कोई भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर यूज करना होता तो ये मामला कोर्ट में जाता ही ना, बाहरी बाहर सब सॉल्व हो जाता। अगर मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट के अनुसार ही रिजल्ट आएगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि फाइनल कट ऑफ क्या हो सकती है क्या नहीं, तो उनको बात इतना दोस्तों समझना है कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो आपकी कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि किन बच्चों को मौका मिले किन बच्चों को नहीं, ठीक है? तो दोस्तों जो आपकी फाइनल कट ऑफ बन सकती है चाहे वो 40 45 हो चाहे वो 60 65, तो दोस्तों वो आपकी कोर्ट ही डिसाइड करेगी और बाकी के दोस्तों कोई डिसाइड नहीं कर सकता। देखिए 60 65 में होता क्या है, ये बच्चे ज्यादा व्हाट्सएप यूट्यूब हर जगह एक्टिव है तो दोस्तों इनको लगता है कि इनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन दोस्तों जब इनके फीडबैक्स आते हैं तो वहां पर इनकी संख्या कम लगने लगती है, ठीक है? ये बात समझिए, अभी आप लोग कोई भी वीडियोस बनाएंगे कहीं भी पूछेंगे तो हाँ 2 3 हजार तो दोस्तों इनके तुरंत ही कमेंट्स आ जाएंगे लाइक्स आ जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? ये बात समझने वाली है ना, 4 लाख बच्चे हैं तो 4 लाख में दोस्तों 50,000 तो आने चाहिए ना कमेंट्स की, नहीं हम 60 65 वाले हैं। या तो दोस्तों सभी बच्चे एक्टिव नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्तों अगर आज की डेट में 28 अक्टूबर 2019 के डेट में दोस्तों किसी के पास फोन ना हो, अगर कोई बच्चा 69,000 का कैंडिडेट है तो दोस्तों ये बात तो 100% श्योर है या 99% श्योर है उसके बाद फोन होगा मोबाइल फोन होगा, लेकिन दोस्तों वो बच्चे एक्टिव क्यों नहीं है? या तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन तक वीडियो पहुंचे। देखिए एक बात और आपको समझाना चाहेंगे, क्या बात है, आपका प्रेडा ऐप लॉन्च हो चुका है, अगर आप फोन यूज नहीं करते तो आने वाले टाइम में आपको फोन यूज करना पड़ेगा, नौकरी करनी है तो फोन का बिना फोन चलाए आप नौकरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों अप टू डेट रहिए, जो फीडबैक आपकी तरफ से आता है वही हम आपको बताते हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों इस वीडियो को और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें तो उससे ज्यादा अच्छा हम और एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है? फिलहाल तो दोस्तों कुछ आज की बड़ी बात है, इसको ध्यान रखना है, 112 नंबर आपका आ चुका है और दोस्तों जो ये आने वाले समय में वैकेंसी आएगी
इसको भी आप लोग नजर बनाए रखें। अगर आपने कोर्स कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो अब तो वैसे भी नहीं करना है, क्योंकि आप 60-65 के पहले से कैंडिडेट बन चुके हैं इस शिक्षक भर्ती में, या 40-45 के। तो दोस्तों ये भी आने वाले टाइम इनको नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों जो सरकार की घोषणा होती है, अभी सरकार के पास तो टाइम काफी है, 2019 चल रहा है, 2022 में अगला चुनाव है, तो दोस्तों समय तक नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दिवाली कैसी चली दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो कल की दिवाली सबकी अच्छी रहेगी उम्मीद करते हैं। तो दोस्तों आज भी मस्ती करनी है आपको, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।